हेलो बच्चों, तो फिर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, ठीक है? तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, फिर इस क्लास में आज हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जैसे पी के ए, के ए, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक नेचर, ये सब हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में यही आएगा। तो किसी कोई एसिड देगा, उसका बोलेगा इसका पी के ए निकालिए, तो ये सब समझ में नहीं आता रहता है, इसीलिए चलिए आज इसके हिसाब से हम लोग पढ़े गए, है ना बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग ये देख चुके हैं क्या होता है, RCOOH, ठीक है? इसका जब वाटर के साथ, इसमें वाटर में जब इसको डालते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? RCOO- हाइड्रोनियम आयन बनेगा, H+ रिलीज करेगा, क्या करेगा? H+ रिलीज करेगा, एसिडिटी वही होता है ना, H+ रिलीज करेगा प्लस OH-, ठीक है? इसे हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप में भी इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो वो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। इसे ऐसे लिख सकते हैं KEQ, है ना? इसे क्या लिखेंगे, KEQ इक्वल टू इक्विलिब्रियम RCOO इक्विलिब्रियम H3O+, यहाँ डालेंगे RCOOH+H2O, ऐसे करके डालेंगे, ठीक है? ठीक, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सब, इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, हमेशा क्या रहता है, ज्यादा हो तो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे माइंड नहीं करते हम, ठीक है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, के इक्वल टू के या H2O, है ना? के या H2O क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के क्या है, के इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड, है ना बच्चों? यहां तक आप लोग लिखिए, चलिए आगे देखते हैं। प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, H3O का, H3O या H3O नहीं लिखेंगे, H+ कर सकते हैं, ठीक है? तो के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है H3O का, ठीक है बच्चों? इसके बाद जो है होता है, ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक नेचर, एसिड का है, ठीक है? तो अगर के का मान बढ़ा ज्यादा होगा तो H+ ज्यादा होगा, और H+ ज्यादा होगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, ठीक है? तो के का मान जैसे बढ़ेगा, यानी H+ का मान वैसे प्रोपोर्शनल होता है इसका, ठीक है? लेकिन एग्जाम में ज्यादातर के नहीं डाल के PKa होता है, तो PKa क्या होता है, PKa इक्वल टू माइनस लॉग
टेन के माइनस लॉग टेन के ए होता है। क्या होता है बच्चों? माइनस लॉग टेन के, ये जस्ट समझ सकते हैं उल्टा होता है इसका, माइनस होता है, कि ए का माइनस होता है पी के। तो क्या होगा, पी के ए का मान बढ़ेगा, तो क्या होगा, अगर पी के ए का मान बढ़ा, यानी ए आई से कर सकते के ए का मान बढ़ा, अगर वैल्यू किया के ए का बढ़ा बढ़ा, तो पी के ए का क्या होगा, पी के ए का वैल्यू घटेगा, ठीक है। एंड पी के ए का वैल्यू घटा तो क्या होगा, एच प्लस का मान बढ़ेगा, एंड एच प्लस का मान बढ़ा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर नेचर इंक्रीज करेगा। यानी पी ए क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, यानी एसिडिक नेचर लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं एसिडिक नेचर नेचर एंटी प्रोपोर्शनल होता है पी के ए, क्योंकि के ए का माइनस है ना, ये पी के ए। आगे बात समझ में, तो पी के और के पे समझ में आ गई बच्चों ये बात, ये क्या होता है। अब देखिए, ये तो पी के और के में होगा, जैसे जैसे एच प्लस का मान बढ़ेगा, एच में एच प्लस से मेल होता है, एच प्लस का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा और के का मान बढ़ेगा एंड पी के का मान कम होगा। अब ये एसिडिक नेचर को शो करता है। अब एक और पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ये टर्म पढ़ा था, अभी फिर भी अगर किसी कार्बोनिक एसिड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, दो ग्रुप होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, उससे अपना इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, और रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके उसको वापस करेगा। अगर देखिए, अगर किसी, मान लीजिए ऐसे ये है, क्या नाम है, ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड यहाँ लगा दिए, क्या ये लगा दिए, मान लीजिए ये कार्बोनिक एसिड के साथ हम सी एफ थ्री लगा दिए, ठीक है, सी एफ थ्री एंड यहाँ लगा दिए सी एफ थ्री सी डबल ओ एच, ये कार्बोनिक एसिड के साथ लगा, तो ये एफ थ्री इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एफ क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। आप जब इसका वाटर के साथ करेंगे, एच टू ओ के साथ करेंगे, तो करेगा तो ये जरूर निकलेगा, लेकिन क्या होगा, वो आसानी से एच प्लस देगा, क्या होगा कि आसानी से एच प्लस इसलिए नहीं देगा, इसलिए आसानी से रिलीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ क्या होगा, ये एक तो इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ये माइनस है, ये इसको तो इलेक्ट्रॉन की भूख है, ज्यादा और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये H प्लस बहुत आसानी से क्या करेगा, रिलीज कर देगा, H प्लस के रूप में निकाल देगा, है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, ये आसानी से H प्लस निकाल देगा। यहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच रहेगा, तो ये चूंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और यहाँ क्या है, तो ये तो वापस इलेक्ट्रॉन को प्लस आई आई इफेक्ट दिखा रहा है, यानी प्लस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, फेंक रहा है, वापस इसको दे रहा है, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ओ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ओ पे ज़्यादा बढ़ेगी, तो एच को प्लस के रूप में आसानी से निकलने देगा, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बोनिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ी हुई है, तो वो बहुत ही आसानी से H प्लस देगा, यानी उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ी हुई है, तो क्या होगा, उसका एसिडिक नेचर कम होगा। आगे बात समझे बच्चों, अब हम लोग कुछ देखेंगे क्या, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या है, हम लिख लेते हैं, बताते हैं, जैसे जिसके ऑर्डर, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर देखें, तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, एक्स हैलोजन डिफिनॉल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सबसे ज्यादा जो ज्यादा निगेटिव होगा उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिव
एक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो वैसे भी हम लोग को मालूम है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, क्या होता है, क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद जो है क्लोरीन, और उसके बाद जो है ऐसे करके दिखे थे ना पहले तो फोन FON फोन है था ना, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसके बाद फिनॉल अल्कोहलिक ग्रुप आया, ठीक है, एल्कोहल आता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, अगर ये कार्बन कार्बोनिक एसिड में लगा रहेगा तो बहुत आसानी से क्या होगा वो H प्लस देगा। वही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर देखें तो जितने अल्काइल ग्रुप हैं जैसे CH3, C2H5, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को धकेलते हैं, जो धकेलेंगे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन पे बढ़ेगी तो वो क्या करेगा हाइड्रोजन को आसानी से H प्लस के रूप में लिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा जो क्या होता है पीके के मान से डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है कार्बोनिक एसिड की एसिडिक नेचर, पीके एंड पीके आर के क्या होता है, तो के क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, एसिडिक नेचर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक नेचर होता है, और पीके उसका जस्ट अपोजिट होता है, माइनस लॉग में होता है, ठीक है। एंड और दूसरा क्या हम लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने देखा जो अगर कार्बोनिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या होता है उतना जितना बहुत आसानी से H प्लस दे देता है, यानी उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका एसिडिक नेचर क्या होता है डिक्रीज होता है। इस तरह से हम लोगों ने फिर आज क्या पढ़ा एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनिक एसिड। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अच्छा अच्छा वीडियो मैं आपको देती रहूँगी, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।